जय हिंद भाई, फिर से एक बार सभी को और स्वागत है आप सभी का द नीलांचल क्लासेस में। और लास्ट जो हम शुरू किया था प्रॉफिट लॉस और कुछ सवाल भी कराए थे मैंने, आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और सवाल करते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने सारे बेसिक सवाल कराए थे, जीरो एकदम सवाल। आज उससे थोड़ा सा आगे स्ट्रक्चर करते हैं कुछ सवाल, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस परसेंटेज आज करेंगे हम सवाल जो। तो आपको मैंने बताया था लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने का मैंने बताया कि लाभ बटे हमेशा क्या रखते थे, कैरम्बुल, ठीक है, इनटू क्या करते थे 100। ऐसे ही हम हानि में करते थे कि हानि प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ क्या रखेंगे, हानि, और नीचे हमेशा क्या, कैरम्बुल। नीचे हमेशा कैरम्बुल रखने का मैंने रीजन आपको बताया कि जो भी हानि या लाभ होता है वो क्रैमुल के सापेक्ष होता है, इस वजह से आपको हमेशा क्रैमुल ही नीचे रखना है। पर किसी कंडीशन में अगर आपको सवाल में दे रखा है कि आपका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत विक्रमुल के सापेक्ष बताइए, तो वहां आप विक्रमुल को रख सकते हैं, ठीक है। पर जब दिया होगा, जब रखेंगे आप, तो इसी पर आज सवाल करते हैं। और सवाल नंबर फर्स्ट मैं आपको पढ़ रहा हूं, आप सवाल सुने। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। अब ध्यान से सुने, लाभ कितने का हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। वो कह रहा है एक वस्तु को 100 रुपए में बेचा गया, तो इसका मतलब क्रयमूल कितना है, क्रयमूल है उसका 100 रुपए, और बेचने के बाद उसको लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अब आपको लाभ प्रतिशत बताना है, क्या बताना, लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो आप इस बात को समझें कि जब कोई वस्तु 100 रुपए में बेचकर 20 रुपए का हम लाभ कमा रहे हैं, तो इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई होगी, भाई कितने रुपए में खरीद होगी, इस 100 में ही आपका लाभ कितने का, 20 का। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100 माइनस के 20, मतलब कि विक्रय मूल्य में से आप लाभ निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हुआ भाई, 80 रुपए क्रय मूल्य हुआ। अब आप प्रॉफिट परसेंटेज आराम से बना सकते हैं, कैसे, मैंने बनाना आपको देखो यहां बताया था, लाभ कितने का हुआ, 20 का, कितने पर, क्रैमुल आपका 80, तो 80 × 100, और 20 से कितना, 20 चौक 80 और 4 से कितना, 25 बार। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल के कितना आया यहाँ पे, 25%, ठीक है। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा 25%, ठीक है भाई। चलिए, इस बात पर इतना सा समझना था इस सवाल में कि जब 100 रुपए में बेचा और 20 रुपए का लाभ है, रुपए में लाभ है, तो इसका मतलब 80 में खरीदा गया होगा, ठीक है, और लाभ प्रतिशत आपका कितना होगा, 25%। चलिए नेक्स्ट सवाल बोल रहा हूं मैं, सुने ध्यान से। दूसरा सवाल है आपका, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार किस पर कमाता है लाभ, विक्रय मूल्य पर। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर कितना लाभ कमा रहा है, 20% लाभ कमा रहा है। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है, अब कह रहा है उसका लाभ क्रय मूल्य पर कितना होगा, उसका लाभ किस पर, क्रय मूल्य पर कितना होगा। अब इस बात को समझो, ये जो प्रॉफिट है दे रखा है आपको 20%, किस पर है, ये विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट है, और जबकि आपको प्रॉफिट किस पे बताना है, किस पे बताना है, क्रय मूल्य पर। तो आप एक बात बताइए, यहां से आप क्या करेंगे भाई, 20% की 1/5 वैल्यू होती है, ठीक है। अब एक बात, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, अगर इन सबका मैं रेशियो बनाने लगूं तो एक बात बताना, अब ये जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, विक्रय मूल्य, हर वाली वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, विक्रय मूल्य होगी। और जबकि और सवालों में मैंने क्या बताया था कि हमेशा क्रय मूल्य होती है, क्यों, वो लाभ आपका क्रय मूल्य पर होता है, पर यहाँ पे जो लाभ है ये विक्रय मूल्य पर है, तो ये क्या होगा आपका, विक्रय मूल्य होगा कितना, रेशियो 5:5। अब लाभ है तो 5 रुपए की बेचकर चीज एक का लाभ हुआ, तो इसका मतलब खरीदी कितने में, 4 में, ठीक है, और लाभ कितने का है, 1 का। अब आप लाभ बता दो क्रय मूल्य पर, कैसे निकालेंगे लाभ क्रय मूल्य पर, भाई सबसे पहले लिखो कितने का लाभ है, 1 रुपए का, और किस पर, क्रय मूल्य पर निकालना, तो अब बटे 4 कर दो, × 100, इससे कितनी बार कटेगा, ये 25 बार। तो अब आप कह सकते हैं कि जो मेरा क्रय मूल्य पर लाभ है वो कितना परसेंट है, 25%। ये सवाल का आंसर,
छोटे छोटे सवाल है और एग्जाम में आ जाते हैं तो लोग कभी कभी कंफ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, इस सवाल का आंसर हो गया कितना, 25%। चलिए नंबर थर्ड पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ। क्या है? विक्रय मूल्य का 25% के बराबर लाभ है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो एक बात बताओ, लाभ कितना है उसका? भाई विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, इस 25% की वैल्यू जानते हो आप कितनी? 1/4। ठीक है, 1/4। अगर यहां पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो बताया जाए तो एक बात बताना, जितना उसका विक्रय मूल्य होगा उसका 25% क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ का भी रेशियो बनाए, तो मैंने माना विक्रय मूल्य अगर 4 है, ठीक है, और 4 का 1/4 अगर निकाला जाए या 25%, तो कितना निकलता? 1। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 1। अब एक बात बताना, हमें बताना लाभ का प्रतिशत कितना है। तो अगर किसी वस्तु ने 4 रुपए में एक चीज देखी और 1 का लाभ हुआ, तो खरीदी कितने में? 3 में खरीदी। ठीक है भाई, 4 की बेच कर 1 का लाभ, इसका मतलब 3 रुपए में खरीद रहे हो। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत बता दो, कैसे बताएंगे कितने का लाभ है? 1 का कितने पर? कॉस्ट प्राइस कितना? 3 × 100, और जहां भी 100/3 आता है वो वैल्यू कितनी होती है? 33.1%। तो आपका लाभ परसेंटेज कितना? 33.1%। इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो सवाल बहुत समझने वाला था कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ है, और 25% का मतलब 1/4, अगर 4 विक्रय मूल्य है तो लाभ 1 का, ये लाभ है। ठीक है, और ये विक्रय मूल्य है यहाँ, क्योंकि ये विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा, तो 4 में बेचकर 1 का लाभ, तो इसका मतलब खरीदी कितनी होगी? 3। ठीक है, चलिए देखो, अब देखो ये सारे सवाल मैंने बेसिक कराए, अब इससे थोड़ा सा एक अलग टाइप का सवाल चलते हैं, कह सकते हैं टाइप 2 कह सकते हैं, ये सवाल है बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड प्राइस, मतलब कि मात्रा और मूल्य पर। क्वांटिटी को मात्रा बोलते हैं हिंदी में, मात्रा, प्राइस का मतलब मूल्य। ठीक है, अब इस सवाल का क्या मतलब बेस है, क्या सवाल बनेगा ये मैं एक बार बता देता हूं। क्वांटिटी और प्राइस, तो एक बात ध्यान रखना कि हम जब भी लाभ या हानि की बात करें, तो आपको लाभ और हानि का एग्जैक्ट पता, मतलब बिल्कुल करेक्ट कितने परसेंट लाभ या कितने परसेंट हानि है, तब पता चलेगा कि जितनी मात्रा आपने खरीदी है उतनी ही मात्रा आपको सेल करनी पड़ेगी, मतलब बेचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 10 केजी चीनी खरीदी आपने, और आप 8 केजी चीनी बेचने के बाद ही हिसाब लगाने लगे कि कितना लाभ हुआ, तो आप एग्जैक्ट लाभ नहीं पता कर सकते, क्योंकि अभी 2 केजी चीनी आपकी शेष है बेचनी, 2 केजी चीनी आपकी शेष है। हो सकता है ये 2 केजी ज्यादा रेट में बिक जाए, हो सकता है ये 2 केजी का मूल आपको 0 उठाना पड़े, कोई खरीदेगा? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब तक 10 केजी आपने खरीदी है तो 10 केजी ही आपको सेल करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एग्जैक्ट लाभ या हानि का पता चलेगा। तो इस टाइप का जो सवाल है इसी पर बेस्ड है कि जितनी क्वांटिटी खरीदे उतनी ही क्वांटिटी सेल करें, तब जाके आपको एग्जैक्ट लाभ या हानि का पता चलेगा। चलिए अब इसमें एक सवाल मैं पढ़ता हूं कि एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदे, कितना? 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। ठीक है, ये है खरीदने का रेट। ठीक है, 1 रुपए में 2 नींबू लाया खरीद कर, और उसने 3 रुपए में 5 नींबू बेच दिए,
बेच दिए, बेचना। अब वगैरह बताइए इस दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगी। तो पहले तो आप इस सवाल को देखें कि एक रुपए में दो खरीदनी हूं और तीन रुपए में पांच। अब देखना ये मात्रा है आपकी, अब दो खरीद के लाया पांच बेच रहा है, तो मात्रा यहां पे क्या है। समान अगर पता चल जाती कि एक रुपए में दो बेचे खरीदे और तीन रुपए में दो बेचे, तो आपको लाभ और हानि का पता चल जाता। पर यहां पे आपकी मात्रा ही अलग है, ये दो नींबू है, यहां पे पांच नींबू। तो इसी को हम क्या करेंगे कि मूल्य और मात्रा क्या है भाई। मूल्य एक रुपए में दो नींबू खरीदता है और तीन रुपए में पांच बिकता है, ठीक है, या इधर लिख लो उसको। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, खरीदने की दर और ये बिकने। तो यहां पे क्या करना है, आप इस मात्रा को बराबर कर दीजिए, जितनी खरीदी उतनी बेचे, तो आपको एग्जैक्ट इसका मूल्य पता चल जाएगा। तो आप क्या करें, इन दोनों को बराबर कर दें, यहां दो से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पांच से कर दें। तो पांच दूनी दस और ये कितना हो गया, पांच दूनी दस। तो ये मल्टीप्लाई आपकी यहां भी होगी, ये वाली मल्टीप्लाई यहां भी होगी, कितना, पांच एकम पांच और तीन दूनी छह। अब देखो आप कह सकते हो पांच रुपए में दस नींबू खरीदे और छह रुपए में दस नींबू बेच दिए, सिंपल। तो पता चल गया पांच रुपए में खरीदे छह में बेचे, तो आपका लाभ कितने का, एक का, कितने पर, पांच पर, इंटू सौ। तो इससे कट गए कितनी बार, बीस। तो इस सौदे में आपको लाभ कितना हुआ भाई, बीस, ठीक है। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको मात्रा क्या करनी है, समान मात्रा समान रखनी है, ठीक है भाई। जितने नींबू खरीदे उतने ही आपने बेच दिए, पांच रुपए में दस खरीदे छह रुपए में दस बेच दिए, पता चल गया एक रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, एक सवाल कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे दस रुपए में पांच की दर से खरीदता है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे मूल्य और मात्रा, ठीक है। चलिए कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ संतरे दस रुपए में पांच की दर से खरीदता है और पंद्रह रुपए में छह की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो एक बात बताना, सबसे पहले उसने खरीदे कितने, दस रुपए में खरीदे पांच, चलो दस रुपए में पांच खरीदे और पंद्रह रुपए में छह बेचे, पंद्रह रुपए में छह बेच दिए। तो सबसे पहला काम कि आप मात्रा को समान कर दें, समान करेंगे तो यहां पांच कर देंगे, यहां छह कर देंगे, तो ये छह की गुणा यहां भी होगी, पांच की गुणा यहां भी होगी, तो ये कितना हो गया तीस और ये भी कितना हो गया तीस, और यहां पर करेंगे तो ये कितना हो गया साठ और ये पंद्रह बन गए पचहत्तर। ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस, द क्रेमल और विक्रेमल। आप बताना साठ रुपए में तीस संतरे खरीदे, पिछहत्तर रुपए में तीस संतरे बेच दिए, कितने का लाभ, कॉस्ट प्राइस साठ सेलिंग प्राइस पिछहत्तर, कितने का लाभ, पंद्रह, पंद्रह का लाभ कितने पर, साठ पर, इनटू क्या कर देंगे हंड्रेड, पंद्रह से कितनी बार कटेगा, पंद्रह चौके साठ, इससे कितनी बार कटेगा ये पच्चीस बार। तो भाई पता चल गया लाभ का परसेंटेज कितना है, पच्चीस। ये सवाल का, ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना निकल गया है, 25%। चलिए तो और देखते हैं सवाल। अब एक सवाल इसी में अलग से क्या बन सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा है, एक दुकानदार ऐसा है कि वो दो जगह से सामान खरीदता है, दो जगह से सामान खरीदकर और उसको मिक्स कर फिर बेचता है। मान लो एक जगह से उसने कुछ रेट में खरीदा और दूसरी जगह से अलग रेट में खरीदा और उनको मिलाकर फिर एक दूसरे रेट पर बेचता है, तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। तो सवाल क्या है कि एक दुकानदार ने एक रुपए में दो की दर से नींबू खरीदे, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं लिखता हूं एक बार सवाल, मूल्य और मात्रा। भाई एक दुकान से वो क्या करता है, एक रुपए में दो की दर से नींबू खरीदता है, एक रुपए में दो की दर से खरीदे, ठीक है, और उतने ही नींबू दूसरी दुकान से दो रुपए में एक की दर से खरीदता है। अब देखो ये तो पहली दुकान थी, अब वो करता है कि दूसरी दुकान पे जाता है और उतने ही नींबू दो रुपए में कितने की दर, एक, इतने की दर से खरीदता है और उन सबको मिक्स कर
3 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, 3 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, उस व्यवसाय में कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो एक बात बताना, पहली दुकान से तो वो लाया 1 रुपए के 2, और दूसरी दुकान से कितने लाया? 2 रुपए के 1। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप पहले इतनी ही क्वांटिटी बराबर कर दो खरीदने वाली, ठीक है? ये दोनों कॉस्ट प्राइस है, पहली दुकान का ये है, दूसरी का ये है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर देता हूँ और यहाँ पे 1 से, तो ये बराबर हो जाएंगे, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 2 से। अब बताना ये कितना हो गया, 1, ये कितना हो गया 4, ये बना 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब आप कह सकते हो टोटल दोनों दुकानों से खरीदा कॉस्ट प्राइस कितना, 4 1 5 और 2 और 2 4। कह सकते हो दोनों दुकानों से 5 रुपए में 4 खरीदे, ठीक है? अब बेचता किस रेट में, 3 रुपए के 3 बेचने का रेट है, 3 रुपए के 3। अब देखना क्वांटिटी यहां पे फिर अलग हो गई, तो इस क्वांटिटी को आप क्या करें, फिर बराबर कर दें। तो क्वांटिटी बराबर कैसे होगी, यहां पे 4 से यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये मल्टीप्लाई यहां पे 3 से होगी, यहां पे 4 से होगी। 5 3 15, 4 3 12, और ये कितने हो गए, 12। अब देखना 15 रुपए में 12 नींबू खरीदे और 12 रुपए में 12 नींबू बेच दिए। अब बताना यहाँ पे उसे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? क्या लॉस हुआ, क्योंकि 15 रुपए में खरीदे थे और 12 में बेचने पड़ेंगे, कितने का लॉस हुआ इसको, 3 रुपए का, कितने पर, 15 पर, इंटू 100, ठीक है? 3 से ये 5 बार बैठ गया, 5 से ये 20 बार, तो इसका लॉस परसेंटेज क्या हुआ इस व्यापार में, पूरा 20%, ठीक है? तो यही सवाल का आपको क्या है आंसर है, 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है? तो ये सवाल का आंसर हो गया 20%। तो कुछ नहीं करना, दो जगह से खरीदे थे ना, तो दोनों की क्वांटिटी बराबर करनी, फिर इनको ऐड करना है, क्वांटिटी को मूल्य को ऐड किया, 4 और 1 5, मैं 4 खरीदता है, 3 रुपए में 3 बेचता है, फिर क्वांटिटी बराबर करनी है आपको, ठीक है? क्वांटिटी जैसे ही बराबर करोगे आपके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यही 2-3 सवाल है आते हैं एग्जाम में, इस टाइप का सवाल आ जाता है कई बार आया। चलो अब देखो, एक सवाल है कि जब आपकी कीमत बराबर हो, कीमत बराबर हो, तो आप जो प्राइस का रेशियो बनाते हो, प्राइस और क्वांटिटी का, और प्राइस का जो रेशियो बनेगा, यहां लिख देता हूं मैं कीमत, कीमत अगर समान हो तो जो प्राइस का रेशियो होगा, मान लो एक्स रेशियो वाई, तो जो मात्रा का रेशियो बनेगा या क्वांटिटी का, उसका रिवर्स बनता है। कब? जब कीमत बराबर, ठीक है? जैसे और भी सवाल देखेंगे कि जब हमें खर्चा क्या रखना है, हर कंडीशन में खर्चे को समान रखना है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि जो प्राइस के रेशियो है, मूल्य का रेशियो है, उसी का रिवर्स मात्रा का होगा, और मात्रा का जो रेशियो होगा उसका रिवर्स प्राइस का होगा। तो इसी कंसेप्ट पर, इसी को यूज करते हुए एक सवाल है। क्या सवाल है, मैं एक बार सवाल पढ़ता हूं कि 1 रुपए की 12 टॉफियां, कितनी, 1 रुपए की 12 टॉफियां बेचने पर 20% हानि होती है। कोई बंदा 1 रुपए की 12 टॉफी बेच देता है तो उसको 20% हानि उठानी पड़ती है। अगर 1 रुपए की 12 टॉफियां सेल कर दे या बेच दे तो उसको क्या होता है, 20% की हानि उठानी पड़ती है। कह रहा है अगर 20% लाभ कमाना हो, 20% लाभ कमाना हो, 1 रुपए में वो बंदा कितनी टॉफियां बेचे, कितनी टॉफियां बेचे। अब एक बंदा कह रहा है कि भाई 1 रुपए में 12 बेचे तो उसे लाभ, लॉस हो जाता है 20%, तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कर उसका प्रॉफिट हो जाए 20%। तो एक बात बताना, अगर मैं प्राइस की बात करूं, भाई 20% का लॉस है, इसका मतलब 80% बचा, ठीक है? 80% बचा, यहां लॉस लिख दो, यहां प्रॉफिट लिख लो। 1 रुपए की 12 बेचे तो लॉस, फिर कितनी बेचे तो 20% बेचे तो 120। अब बताओ ये प्राइस का रेशियो अगर बनाया कैसे, तो बनेगा 20 चौक 80, और 20 से कितनी बार कट जाएगा, ये 6, ठीक है? अब बताना मात्रा का रेशियो अगर मैं बनाऊं तो 6:4, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 6 और 2 2 4,
ठीक है। अब हमको दे रखा था पहले तीन की वैल्यू कितनी है 12, कितने गुना 4, 4 थी 12। अब इसको भी मैं कर दूं 4 गुना 4 दूनी है, ये पता चल गया मुझे अब कि अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो एक रुपए में कितनी टॉफी बेचनी है, एक रुपए में कितनी टॉफी बेचनी है 8, एक रुपए में कितनी टॉफी बेचनी है 8, क्योंकि इस सवाल में हमारी कीमत क्या है, सेम है, कीमत समान है भाई, एक रुपए की बात हो रही है, एक रुपए में 12 बेचे तो 20 की हानि, एक रुपए में 8 बेचेगा तो 20 का लाभ। तो मैंने क्या किया, प्राइस का रेशियो बनाया कि एक की 12 बेचता है तो 20% की हानि, तो इसका मतलब 80 रह जाता है, अगर 20% लाभ कमाना होगा तो इसका मतलब 120, ठीक है, कीमत समान है तो जो प्राइस का रेशियो उसी का मैंने मात्रा का रेशियो बना दिया, ठीक है, इसको रिवर्स करके तो रेशियो बना 3:2, और 3 की वैल्यू आपको दे रखी पहले 12, 1 की वैल्यू 4, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू 2 की, तो 2 की वैल्यू कितनी 8, तो ये आंसर हो जाएगा 1 रुपए में 8 टोपियां, ठीक है। चलिए एक और सवाल इसी तरीके का करते हैं, चलिए एक सवाल और इसी तरीके का, 1 रुपए में 20 की दर से टॉफी बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, 1 रुपए में 20, कितनी 1 रुपए में 20 की दर से बेचे तो उसको लॉस उठाना पड़ता है 4%, ठीक है, 1 रुपए में 20 टॉफी बेचे तो उस दुकानदार को 4% हानि उठानी पड़ती है। अब वो कह रहा है कि मैं 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचूं कि मुझे 20% का लाभ हो, कह रहा है 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचूं कि मुझे लाभ हो जाए कितना 20% का। तो एक बात बताओ, यहां पे कीमत बराबर है, जैसे कि मैंने लास्ट वाले सवाल में बताया कीमत क्या है, सेम है, 1 रुपए में 20 टॉफियां बेच देता है तो 4 का नुकसान, 4% हानि, कह रहा है 1 रुपए में मैं कितनी टॉफी बेचूं मुझे 20% लाभ हो। एक बात बताना, प्राइस की अगर बनाया जाए रेशियो, तो प्राइस का रेशियो बनाया 4% हानि, इसका मतलब 96 रह गया प्राइस लॉस वाला, प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो कितना चाहिए उसे 20, तो इसका मतलब 120, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 12 8 96 ऐसे काट लो, 24 4 96 और 24 5 120, 4:5 का अनुपात बना दोनों का। अब मात्रा का अनुपात बनाएंगे तो कितना 5:6। अब 1 रुपए में कितनी बेच रहा था वो 20, कितने गुना 4 4 5 20, अब 1 रुपए में कितनी बेचेगा ये भी 4 4 4 100। तो भाई अगर उसे 20% प्रॉफिट चाहिए तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी 16, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी 16, तब जाके उसे क्या मिलेगा 20% प्रॉफिट, ठीक है। चले ये समझ में आ गया होगा, 1 रुपए में 16 टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, कुछ नहीं है, बस जहां भी कीमत बराबर हो तो आप क्या करेंगे, जो प्राइस का रेशियो है उसी का रिवर्स करें और क्वांटिटी का बना लें, ठीक है, या आपको क्वांटिटी या मात्रा का रेशियो दे रखा है उसका रिवर्स करें, ठीक है, और रिवर्स करने के बाद क्या करेंगे प्राइस का रेशियो बन जाएगा। चलिए एक सवाल और, कि जब आपको लाभ या हानि, ठीक है, लाभ या हानि का रेशियो दे रखा हो, जैसे एक सवाल में पढ़ रहा हूं, लाभ या हानि का रेशियो विक्रय मूल्य के रूप में दे रखा हो, दो चीजें होती हैं लाभ हानि में, कि या तो आपका लाभ पैसे में हो या लाभ का लाभ क्या हो वस्तु के रूप में हो। जैसे एक सवाल है कि 250 केले बेचने पर एक विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब यहां पर क्या लाभ तो हो रहा है, पर लाभ किसके रूप में हो रहा है, केलों के विक्रय मूल्य के रूप में हो रहा है, कितने केले 50 केलों के विक्रय मूल्य के रूप में लाभ है। तो इस सवाल को करने का क्या तरीका है, यहां पे लाभ परसेंटेज पूछा है, भाई 250 केले बेचने पर
250 केले बेचने पर 50 केले केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, के बराबर लाभ होगा, लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसको मैं पहले एक तो बेसिक तरीके से बताता हूं कैसे। भाई 50 आप जानते हो लाभ हो रहा है, तो लाभ ये होता है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस की कॉस्ट प्राइस। लाभ कितना है 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये लाभ है। बेके कितने है भाई 250, तो भाई 250 ही खरीदे होंगे उसने, ऐसा तो नहीं है कि 250 बेच दिया 200 खरीदे, 250 ही खरीदे होंगे तो 250 ही बेके होंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें हम, भाई 50 सेलिंग प्राइस, तो इसको इधर लाओ, 250 कॉस्ट प्राइस, 250 सेलिंग प्राइस, 250 सेलिंग प्राइस और माइनस के 50, कितना बन गई है 250 कॉस्ट प्राइस, ये 50 घटे तो कितना 200 सेलिंग प्राइस। अब यहां से रेशियो बनाएं 0 से 0 का, तो ये तो बन गया 25 कॉस्ट प्राइस बराबर 20 सेलिंग। अब एक बता देना प्रॉफिट परसेंटेज बताना, 25 किलों का क्रय मूल्य 20 किलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब यहां से अगर सॉल्व करें तो सामने वाली वैल्यू अपनी होती है, रेशियो बना लो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या बनेगा 20 अपॉन, तो यहां से देखना कितने का फायदा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 में खरीदा 25 में बेचा 5 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 5 का फायदा कितने पर 20 पर इंटू 100, ठीक है। तो 20 पंजे 100 पचम 25, तो कितना प्रॉफिट है यहाँ पे 25%। तो ये जो मैंने सवाल बताया एकदम बेसिक तरीके से बताया कि 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया भाई, प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितना है 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ये रख दिया। 250 केले अगर उसने बेचे हैं तो 250 केले उसने खरीदे हुए, ठीक है। ये सवाल का आंसर आ गया 25%। पर अगर ऐसा सवाल कभी एग्जाम में आए तो उसको करने का तरीका सबसे इजी क्या है कि आप अपने माइंड में ये सोचें कि कोई व्यक्ति 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो इसका मतलब उसने खरीदे कितने होंगे, तो खरीदे कितने होंगे 250 बेचने पर 50 का लाभ है भाई, तो इसका मतलब खरीदे कितने होंगे 200 और लाभ कितने होगा 50 इंटू 100, ये दोनों जीरो यहां से कट गई, 5-2 से ही कितनी बार कटा 25 बार, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां से भी कितना आ गया डायरेक्ट 25, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब 250 बेच रहा 50 का लाभ है, 200 खरीदे, ठीक है। चलिए आज तक अभी इस क्लास में इतने ही सवाल करते हैं, आगे जो क्लास होगी इससे आगे सवाल कराए जाएंगे। आप सब लोग इस क्लास को देखें और जहां भी क्वेरी हो आपको आप कमेंट करें उस क्वेरी को, या सवाल हो सवाल को भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो जय हिंद।